नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उम्मीद और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल Techflix पर। तो आ चुका हूं आपके लिए कुछ नई टेक न्यूज लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहली खबर आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने दो फोन और लॉन्च कर दिए, A30 और A50। दोनों फोन्स में आपको यूनोस डिस्प्ले मिलेगी, साथ में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। तो फोन काफी अच्छे हैं, साथ में फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। तो सैमसंग जो है लगातार अपने नए फोन्स जो है मार्केट में उतारते जा रहा है। तो देखेंगे ये फोन कैसा परफॉर्म करेंगे। 28 तारीख को ये दोनों फोन जो है लॉन्च हो सकते हैं। अगली खबर है सैमसंग S10e के लिए। सैमसंग S10e जो है एयरटेल ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है और आप इस फोन को 7999 रुपए की डाउन पेमेंट करके खरीद सकते हैं। पर जो सैमसंग S10 और S10 प्लस थे वो भी इसी वाले ऑप्शन पे आपको मिल रहे थे, और मैंने आपको तब भी यही बोला था कि आप मत खरीदिएगा, आपको फोन महंगा पड़ता है। तो ऐसे ही इस फोन के लिए भी बोल रहा हूँ कि मत लीजिएगा, महंगा पड़ जाता है फोन। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह से लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक ऑफर्स और इंस्टेंट डिस्काउंट के ऑफर्स भी मिल जाते हैं। तो ये फोन अभी मार्च में अवेलेबल हो ही जाएंगे ऑनलाइन, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं उस टाइम पे कि अगर आपको बेटर ऑफर्स मिलते हैं तो आप एक बार में ही पेमेंट करके इन फोन्स को खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगली खबर आ रही है गाइस प्ले स्टोर को लेकर। प्ले स्टोर में से गूगल ने कुछ 28 फेक एप्स जो है डिलीट कर दिए हैं। ये जो डिलीट की गई है, कोई खेल कंपनी ने एक रिपोर्ट दी थी उसके बाद में ये 28 फेक ऐप हटा दी गई हैं। और ये जो ऐप्स थी इसलिए हटाई गई हैं क्योंकि ये जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा स्टोर कर रहे थे और ये किसी काम की ऐप नहीं थी। ऐसी प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि किसी काम की नहीं है, आपका सिर्फ डेटा चुराती हैं वो, और बाद में मार्केट में लीक भी हो सकता है आपका डेटा। तो आप कोई भी ऐप अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही इंस्टॉल कीजिए। अगली खबर आ रही है ट्विटर को लेकर। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 25 तारीख को ट्विटर के साथ में एक मीटिंग की थी जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला है कि अगर हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के तो हम जो है 48 आवर्स के लिए ट्विटर को इंडिया में बंद कर सकते हैं। ऐसा पहले यूएस में भी हो चुका है। यूएस में इलेक्शन के टाइम पे जो है ट्विटर को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। तो अब आने वाले टाइम में इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं ट्विटर बंद होता है या नहीं होता है। अगली खबर आ रही है गाइस वन प्लस को लेकर। वन प्लस ने अपना जो 5G फोन है वो शोकेस किया है MWC बार्सिलोना में, और जो है इस फोन में बताया जा रहा है आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलेगा, साथ में क्वालकॉम का X50 मॉडम मिलेगा जो कि 5G है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 855 है वो 5G सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो फोन बनाया गया है ये स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया गया है क्योंकि गेमर्स को जो है 5G स्पीड पे काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ये फोन भी मार्केट में जल्दी आ सकता है। सभी 5G फोन्स धीरे धीरे मार्केट में आते जा रहे हैं सभी कंपनीज के, तो ये फोन भी जल्दी लॉन्च हो सकता है। अगली खबर है इस ब्लैकबेरी को लेकर। ब्लैकबेरी का एक फोन था की 2 जिसका भी ब्लैकबेरी ने नया एडिशन जो है लॉन्च किया है। ये जो फोन है रेड कलर में आपको देखने को मिल सकता है। जो फोन की कीमत है वो 54,000 रुपए है। तो यार उस प्राइस में ये फोन बिल्कुल ही बेकार है, मैं तो यही कहूंगा मत लेना इसको। और इस फोन में आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन 660 मिलता है जो कि हमारे इंडिया में अभी आपको 15,000 से 20,000 के फोन्स में भी देखने को मिल जाता है। तो यार बिल्कुल वर्थ नहीं है फोन, और सिर्फ एक कलर के लिए आपसे जो है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी। जो इसका पिछला एडिशन था सिल्वर ब्लैक एडिशन वो सिर्फ आपको मिलता था 42,990 रुपीज का। तो सिर्फ एक कलर के लिए आपसे जो है ये पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, और फोन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है काफी पुरानी आपको मिलती है। अगली खबर आ रही है इस रिलायंस जियो को लेकर। रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है वो 10% इंक्रीज हो गया है। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं लगातार रिलायंस जियो में जुड़ते जा रहे हैं, बाकी कंपनीज के पोर्ट कराते जा रहे हैं कस्टमर्स। तो बाकी कंपनीज जो है उतना वैल्यू फॉर मनी प्लान्स नहीं दे पा रही है जितना जियो में मिल रहा है, और जियो की जो 4G अवेलेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है बाकी कंपनीज से, और जो जियो है वो 5G रेडी भी है। बाकी कंपनीज को उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको एक्स्ट्रा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 5G सर्विस देने के लिए, जो कि जियो में पहले से ही अवेलेबल है। तो जैसे ही इंडिया में 5G लॉन्च होगा सबसे पहले मुझे लगता है कि जियो ही 5G सर्विस दे सकता है। अगली खबर है गाइस नोकिया को लेकर। नोकिया के जो फोन है 6.1 और 7.1 उनके लिए एक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। तो इसमें आपको जो है फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। तो नोकिया जो है सभी फोन्स के लिए लगातार अपडेट निकालते जा रहे हैं, रोज किसी ना किसी फोन्स के जो है अपडेट आ रहे हैं। तो यार ये काफी अच्छा काम कर रही है नोकिया, जो अपने फोन से उनके लिए लगातार जो है अपडेट दे रही है। तो बाकी कंपनीज में जो है इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं आ रहे हैं, लेकिन नोकिया के सभी फोन्स के जो है एंड्रॉयड पाई के अपडेट भी आते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो यार काफी अच्छा काम कर रही है नोकिया, थोड़ा प्राइसिंग में भी थोड़ा काम कर ले फोन्स के ऊपर तो ये कंपनी दोबारा ऊपर आ सकती है। तो गाइस आज के लिए ये थी कुछ टेक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको डेली टेक न्यूज जो है मिलती है देखने को,
और अगर आप मेरे दोस्त जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यार कल दोबारा मिलेंगे नई टेक न्यूज के साथ में। टिल देन बाय बाय।